हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही मिनटों में तैयार होने वाली है। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको ये रेसिपी बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। तो जो सामग्री हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया है, मिल्क पाउडर, नारियल का बुरादा और चीनी जो मैंने पीस ली है, और मलाई। इसके अलावा जो हमें चाहिए वो है ब्रेड। तो सबसे हमें पहले क्या करना है कि जो ब्रेड के एजेस है ना, इन्हें हम कट कर लेंगे। इस तरीके से मैं कैंची से मैं कट कर रही हूँ, आप चाहे तो चाकू से कट कर लीजिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से हमें ब्रेड चाहिए और इन्हें हम निकाल के अलग कर लेंगे। तो इसी तरह के मैं से सारी ब्रेड कर लूँगी। तो हमारे सारे ब्रेड हो चुके हैं, देख सकते हैं अच्छे से। तो ये लगभग 10 ब्रेड हैं और ये एजेस हैं, इसे आप फेंकिएगा मत। इनका आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं और किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो ब्रेड हमने लिए हैं, इन्हें हम तोड़ के ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। तो सारी ब्रेड मैं तोड़ के इसमें डाल लूँगी और अच्छे से इसे हम ग्राइंड करेंगे। वैसे भी जब त्यौहार आते हैं तो हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि स्वीट डिश बनाना तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये रेसिपी ऐसी है कि जब भी कोई त्यौहार आए और आपके गेस्ट घर पे हों, तो आप इसे 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं और आपके गेस्टों को पता भी नहीं चलेगा कि कब कब में आप ये स्वीट डिश बना के ले भी आए हों। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं ये अच्छे से पिस चुका है बिल्कुल। सारा मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे नारियल का बुरादा। एक कटोरी मैंने यहाँ नारियल का बुरादा लिया है। थोड़ा थोड़ा करके इसे हम अच्छे से पूरे में मिला लेंगे। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें मिल्क पाउडर। इसे भी थोड़ा थोड़ा करके हम डाल डाल के पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारा मिक्सचर अच्छे से मिल जाए। आजकल के बच्चों को आप जानते ही हैं, मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आप ये वाली मिठाई उन्हें खिलाएंगे तो वो बिल्कुल आसानी से खा लेंगे, क्योंकि एक तो इसमें हमें बिल्कुल भी हमने किसी चाशनी का इस्तेमाल नहीं किया है, दूसरे से हमने डीप फ्राई नहीं किया है। और आजकल के बच्चे जो है डीप फ्राई वाला खाना खाना पसंद नहीं करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो इसमें फैट भी नहीं बढ़ेगा और आप बच्चों को आसानी से खिला सकते हो। तो एक बात और बता दूं मैं, जैसे कि आजकल बुजुर्ग लोग हैं जो डायबिटिक हैं, वो लोग भी इसे खा सकते हैं। बस आप चीनी की जगह इसमें शुगर फ्री डालिए। तो हमारा ये मिक्सचर अच्छे से मैंने मिला लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी, जो मैंने पिसी हुई चीनी यूज़ करी है, पहले पीस ली थी। जैसा कि मैंने कहा, आप चाहें तो शुगर फ्री भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ 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 पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी डालूँ तो सबसे पहले आप तक आए। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स क्या कीजिए, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस घर पे नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप इलायची डाल सकते हैं। इलायची पीस लीजिए, जैसे मैंने चीनी पीसी थी, चीनी के साथ ही आप इलायची डाल के पीस लीजिए। वनीला एसेंस से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है, इसलिए मैं वनीला एसेंस यूज़ कर रही हूँ। वही बात आपकी इलायची में पड़ेगी। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे मलाई। फ्रेश मलाई हो कोशिश कीजिए, अगर घर पे रखी हुई हो, ज़्यादा दिन की ना हो। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मलाई ऐड करेंगे, जिससे कि ये हमारा अच्छे से डो तैयार हो जाए और ये मिठाई का शेप ले सके अच्छे से। तो उतनी ही मलाई आप इसमें ऐड करेंगे।
तो इसीलिए आप जब भी डालें मलाई तो थोड़ी थोड़ी करके डालिएगा, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो ये ढीला हो जाएगा और फिर अच्छे से बंध नहीं पाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आधा कटोरी के करीब मलाई ली थी और मैं इसे धीरे धीरे करके ही ऐड कर रही हूँ, देखते हैं कितनी मलाई लगेगी। मुझे लग रहा है सारी मलाई लग जाएगी इसमें, तो मैं ये सारी मलाई इसमें डाल देती हूँ। ये मिठाई बनाना बहुत ही आसान है, अगर आप बच्चों को भी ये मिठाई बनाना एक बार सिखा देंगे ना तो वो लोग भी आसानी से इसे तैयार कर लेंगे। तो इसका हमें बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट सा डो बना लेना है, बस तब तक इसको मसलना है जब तक ये आसानी से बंध ना जाए। इसे हम चेक कर लेंगे, तो ये देखिए मैं आपको चेक करके बता दी, इस तरीके से आप इसे राउंड राउंड कीजिए और अगर इसमें क्रैक्स नहीं पड़ रहे हैं और आराम से बंध रहा है तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये डो तैयार हो गया है। अब जो मैंने यहाँ पे पहले ड्राई फ्रूट्स लिए थे ना, जो मैंने मिक्सी ग्राइंडर में कर लिए थे, क्रश कर लिए थे, पीस लिए थे, तो उसमें थोड़ा सा ये हमें डो का लेकर के इसमें मिला लेना है। ड्राई फ्रूट्स में आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, पिस्ता, काजू, बादाम, तो ये मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा इसमें मिला लूँगी क्योंकि ये हम स्टफिंग के रूप में तैयार करेंगे। अगर आप इस तरीके से तैयार नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें ही आप ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए और सिर्फ राउंड राउंड करके बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा मैं इसमें कलर ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो करें नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा लुक देने के लिए कर रही हूँ कि अंदर से थोड़ा सा अच्छा सा रेड सा लुक आ जाएगा और देखने में अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप पसंद नहीं करते हैं कोई भी कलर यूज़ करना तो आप बिल्कुल मत कीजिए। इसको तो अच्छे से मिला लेंगे पहले ताकि सारा कलर एक साथ मिल जाए। थोड़ा सा मैं इसमें दूध की ड्रॉप डाल दिया मैंने ताकि ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिल चुका है। अब इसका हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे बिल्कुल राउंड सा शेप दे करके, ये देखिए इस तरीके से, बस इस तरह हम सारे ये पेड़े से तैयार कर लेंगे। और ये चिपकते भी नहीं है, आपने बिल्कुल आराम से बन जाते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। अब हमें मिठाई का शेप बनाना है जो हमने डो तैयार किया था। तो पहले हम इसे राउंड सर्कल करेंगे। अब इसको थोड़ा सा दबा के इसके बीच में हल्की सी जगह बना लेंगे और ये जो हमने रेड कलर के पेड़ तैयार किए हैं ना, बस उन्हें इसमें भर देंगे। और जैसे कि हम पराठा नहीं बनाते हैं आलू का, उसी तरीके से हमें इसे स्टफिंग की तरह भरना है और यूँ राउंड शेप कर देना है। बहुत ही आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए आप बिल्कुल हमारा पेड़ा अच्छे से तैयार हो गया, ये देखिए कहीं से भी कोई क्रैक्स भी नहीं है। तो बस इसी तरीके से हमें सारे पेड़ तैयार कर लेने हैं मिठाई के। आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये बिल्कुल कितनी आसान रेसिपी है। और ब्रेड का सबसे अच्छा इस्तेमाल कोई बता भी नहीं पाएगा कि ये मिठाई आपकी ब्रेड से बनी हुई है। और ब्रेड तो मोस्टली घर में होती ही है बच्चों की वजह से, और नाश्ते में भी हम लोग ब्रेड यूज करते हैं। तो बस देखिए इसी तरीके से सारे पेड़ तैयार होते जा रहे हैं हमारे, और यहाँ पे सारे पेड़े बन के तैयार हो चुके हैं। अब थोड़ा सा इसको हम डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है गिरी का बुरादा, नारियल का बुरादा, और ये जो हमने डो बनाया था ना, बस इसको इसमें हम ऐसे लपेट लेंगे
और देखिए लुक वाइज कितना अच्छा लगने लगा है ना, बिल्कुल इजी। तो बस इसको कोनों से भी लपेट लेंगे ताकि कहीं से भी खाली ना रह जाए। डेकोरेशन के लिए आप कुछ और चीज भी अगर आपके माइंड में है तो आप कर सकते हैं तैयार। आप चाहें तो ये जो मैंने मिठाई बनाई है पूरी कलरफुल बना सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर लगा सकते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, येलो। मैंने यहाँ कलर का ज़्यादा यूज नहीं किया है, सिर्फ बीच में ही किया है इसकी स्टफिंग के लिए। ये आपकी क्रिएटिविटी है। तो देखिए यहाँ बिल्कुल ये सारे मैंने नारियल के बुरादे में लपेट लिए हैं। अब थोड़ा सा लुक इसे और दे देते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से बादाम काट लिए हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा एक एक पीस बादाम का लगा दूंगी जो मैंने बीच में से कट कर लिया है। हाँ, आप चाहें तो पिस्ते से भी डेकोरेट कर सकते हैं, या थोड़ा सा क्रश करके सारे ड्राई फ्रूट्स को ऊपर से लगा सकते हैं। ये देखिए लग रहा है ना बहुत अच्छा सा। और अगर आपको इसको और बाजार वाला लुक देना है तो आप जो है इसमें चांदी का वर्क लगा सकते हैं। बाजार में पान की दुकान पे आराम से मिल जाता है वो। अगर आप चांदी का वर्क इसमें लगाएंगे तो ये कोई नहीं बता सकता कि आपने घर में तैयार करी है। तो देखिए अब इसका लुक कितना अच्छा आ गया है, और खाने में तो टेस्टी है ही। आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और देखिए 10 प्लेट से हमारे लगभग कितने सारे मिठाई बनके तैयार हो गई है। परफेक्ट हमारी ये सारी मिठाई बन चुकी है। अब मैं इसे आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि अंदर से देखने में कैसी लग रही है। आप देखिए मैं इसे काट के आपको दिखाती हूँ। लग रही है ना बहुत ही सुंदर। तो आप इसे बनाइए और खाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, बाय बाय।